कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ देवी पाटन मंडल गोंडा। आज एक बार फिर से इंडिया न्यूज 24 की टीम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर चर्चा करने के लिए धरातल पर उतरी है। हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, आइए हम इनसे राय लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के सर पर जो ताज होगा वो किस पार्टी से होगा। आइए हम राय लेते हैं। आपका नाम? बबलू पाठक, मंदरापुर बस्ती जिले से हम हैं। अच्छा, वैसे जी, वैसे हमारे दृष्टि से जो है मुख्यमंत्री का ताज माननीय महंत जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ज्यादा सुटेबल। आप बस्ती जिला से बिलोंग करते हैं, बस्ती जिला के निवासी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र भी जो है आपका गोरखपुर रहा है। बस्ती का पुराना नाम जो है जी गोरखपुर ही, हाँ गोरखपुर ही है, तो वहाँ से रहा हुआ है। योगी जी को ही आप मुख्यमंत्री को बनाना चाहते हैं? योगी जी में कुछ ऐसी गुणवत्ता है कि उनका वर्णन जो है आवाज से नहीं किया जा सकता है, अंतरात्मा से किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए जो सभी वर्गों के लिए विकास हो, ऐसी कोई योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं आपसे हम जानना चाहते हैं। योजनाएं तो बहुत हैं, अन्नपूर्णा योजना है और सारी जितनी सारी योजनाएं जो है लॉन्च की हैं वैसे बहुत, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतनी गजब की जो है भावना। इनसे भी हम राय लेना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ये किसे बनाना चाहते हैं। दादा, आप सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं। हमारा नाम हुकुम सिंह है भैया जी, मनिकापुर विधानसभा के रहने वाले हैं जी। हम योगी जी के से अच्छा मुख्यमंत्री आज तक किसी को 60 साल के अंदर हम देखा नहीं, जितना इनका काम और इनके राज में हमें हर चीज की सुविधा मिलती है, चाहे कोई भी या सड़क हो या बिजली हो, हम बिजली से बहुत खुश। मतलब इससे पहले जितनी सरकारें थी उसमें बिजली उपलब्ध? राम राम राम, 4 घंटा 6 घंटा भगवान से यही मनाते हैं कि आदित्य योगी महाराज फिर से आओ। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहते हैं, अखिलेश जी ने यह बताया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 300 यूनिट बिजली जो है फ्री आपको दे रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना? हमको इस समय मिल रहा है योगी के राज में, वो क्या देंगे भैया, वो जब थे तब क्या दिए थे और अब क्या देंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि आप एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। आपके विधानसभा से रमापति शास्त्री जी जो है भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना? उनके बारे में उनको वोट मिलेगा, हम लोग उनको क्योंकि वो योगी जी के प्रत्याशी हैं और हमारे यहाँ सड़क का काम बहुत कराया है भाई शास्त्री जी, सड़क बहुत बनवाया है, इतना सड़क शास्त्री जी ने बनवा दिया मनकापुर विधानसभा में, आज तक कोई तक मेरे 60 साल के अंदर नहीं करा। एक बार जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिबेट ली हुई है, एक तरफ यहाँ पर भी बहुमत बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। आइए, एक हमारे साथ दादाजी और भी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम राय लेना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये किसे बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम? हमारा नाम रामलाल सैनी। आप मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर रखना चाहते हैं? तो बाबा जी को ही देना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज थी कि आज से पहले जितनी जो है मुख्यमंत्री आए या आज से पहले जितनी सरकारें आई, आपको योगी जी में क्या ऐसी चीज लगी कि आप फिर से दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मेन कारण इनका, जैसे और सरकारें आए, बिजली का, बिजली में हम पैसा भरते थे तब भी बिजली नहीं मिलता, पैसा देने के बाद, और इसमें हमको बिजली भरपूर मिल रहा है समय से, रात के समय से हमको बिजली आ जाती है। इनके सरकार में हमको समय देखना पड़ता था बिजली आए या ना आए, हमारे मजदूर भी वापस जाते थे, इसलिए मैं बाबा जी को ही सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं, देखिए बिजली की जो आपने बताई, इनकी सरकार में आपको बिजली मिल रही है, जब हम लोग डेबिट करने सड़कों पे उतरते हैं, गांव देहातों में जाते हैं, तो किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या आती है छुट्टा जानवरों के बीच में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है छुट्टा जानवर या गाय जो हमारे हैं इन पे बहुत सारा पैसा भी खर्च करती है, और इनको बचाने के लिए कई सारी योजनाएं भी ये लेके आए हुए हैं, लेकिन फिर भी किसान तबका छुट्टा जानवर से परेशान है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जैसे गाय है, जैसे गाय हम रखते हैं,
अब उसका बच्चिया पैदा हो गया, बछवा पैदा हो गया, तो उसको अगर हम नहीं खिला पा रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि तो जोगी जी नहीं छोड़ने आए हैं, बिना मोदी जी छोड़ने आए, वो गाय बछवा हमारा ही है। लेकिन हम गलती करते हैं, कोई आदमी अगर शादी करता है, औरत लाता है अपनी, और औरत को नहीं खिला पाएगी तो औरत भग जाएगी। उसी हिसाब से हमारे गाय और बछवा का है। हम गाय रखते हैं और बछवा बछिया कुछ भी पैदा हुआ, बछिया को हम रख लेते हैं, बछवा को छोड़ देते हैं। सही है, सही है। जिस तरीके से सर ने बताया, ये हमारे ही बीच की गाय हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई सुझाव ऐसा है कि जो आप हमारे चैनल के माध्यम से वर्ष तक या जो है सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इसका कोई निराकरण का कोई समाधान है आपके? इसका निराकरण यही है, जिसे हम लोग, जिसे गांव में 10 बछवा हैं, अगर हम गांव वाले चाहें तो उसको हम रोक सकते हैं, खिला भी सकते हैं, लेकिन वो चीज़ कोई करना नहीं चाहता है, वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कोई सुझाव है आपके पास? अब सुझाव यही है कि अगर गौशाला में इन गायों को या बछवा को रखा जाए और वहाँ इसकी सुविधा दी जाए, वही ठीक पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहते थे, यही चीज़ हम आपसे जानना चाहते थे कि आज हमारे ऊपर से योगी जी गौशाले के ऊपर भी काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा, इस बारे में आपका क्या कहना? जैसे ये हम लोग की तकलीफ, जैसे योगी जी ने यहाँ हमको सौंप दिया, हमको उसको देख रेख के लिए, वो हम देख रेख अपना नहीं कर पा रहे हैं, वही तकलीफ है कि हमारे बीच का आदमी को जिसको सौंपा गया वो आदमी निवारण नहीं कर रहा। तो इस पे कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। उसको वहाँ से टाइट करना चाहिए कि आपको जो निवारण मिला है उसको आप देखें। जिस तरीके से इस विधानसभा में हमने यहाँ के लोगों से राय ली, एक तरफ से फिर आज बहुमत जो है बीजेपी की तरफ ही जा रहा है, और यहाँ के जितने भी सदस्य हमारे सामने उपस्थित थे, उन्होंने बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाग लपेट के, उन्होंने बीजेपी को ही सर्वसम्मत और बहुमत से वोट देने का फैसला किया है, और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की